सरहंद शहादत की धरती, जहां की मिट्टी आज भी हिम्मत और सिरड़ की मिसाल है, जहां की हवा में आज भी रूहानियत का एहसास होता है, जहां की दीवारें आज भी उन नन्ही जानों को सहेजे हुए हैं, जहां से आज भी सुनाई देती हैं उनकी आवाजें जो इन बच्चों की शहादत की साक्षी हैं, वो सरहंद आज भी मौजूद है। वहां आज भी हर तरह की सहूलियत के साथ ही गाड़ियां, मोटरें और बसें दौड़ती हैं, जहां आज भी वैसे ही मंडियां लगती हैं, पहले से कहीं अधिक आबादी के साथ ही जहां आज भी सुबह उठते ही लोग साहिबजादों की शहादत को याद करते हैं, जहां शायद देश के किसी भी बड़े शहर की तरह हर तरह की सुविधाएं मौजूद है, वो सरहंद आज भी मौजूद है। कहीं पढ़ा था कि हमें शहरों से नहीं उनमें बसते लोगों से प्यार होता है, इसलिए शायद जब भी फतेहगढ़ साहब या सरहंद की तरफ जाने का मौका मिलता है तो वहाँ की हर एक याद सहेजने को दिल करता है, जहाँ हाथ अपने आप ही श्रद्धा में झुक जाते हैं, एक बार फिर से जैसे उन तमाम लम्हों को फिर से जी उठे हों, जैसे उनकी हिम्मत, जैसे उनकी शक्ति और जैसे उनकी अपने धर्म के प्रति आस्था से भरे हुए सभी दृश्य फिर से जीवंत होकर सामने आ रहे हों और आंखों में आंसू बहने लग जाएं। ये वही सरहंद है जहां पहुंचकर बंदा सिंह बहादुर ने उस समय के जालिम शासकों की ईंट से ईंट खड़का दी थी, उनसे साहिबजादों की शहादत का बदला लिया था, हत्यारे जालिमों को सजाएं दी थी। बंदा बहादुर की इसी बहादुरी को देखकर डरे हुए लोगों का मनोबल मजबूत हुआ था। इसी विजय के बाद सिख राज्य की नींव रखी गई और सिख शासन का सिक्का भी चला। यहीं से सिख राज्य का विस्तार पे हुआ और उन लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा जो दमन का शिकार होकर जीना भी भूल चुके थे। जो लोग उस समय बड़े बड़े जागीरदार थे लेकिन जालिमों के साथ मिलकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों की जमीनें छीन कर बैठे थे, उनको सबक सिखाया गया। छीनी गई जमीन भूमि रहित कृषकों में निःशुल्क बांटी गई। जो गुलामों जैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे उन्हें जमीनों का मालिक बनाकर आर्थिक तौर पर सम्मान के साथ ऊंचा उठाया गया। वास्तव में उस सिख धर्म युद्ध की जीत के बाद ही समाजवाद की नींव भी रख दी गई, कोई ऊंच नीच नहीं रहने दी गई। सिख सिद्धांत के मुताबिक सभी को बराबरी की नजर से देखा गया। भूमिहीन मजदूर, कृषक और मजदूरों को उठाकर सत्ता पर बिठाया गया। वह एक क्रांति थी जिसके लिए आज फिर से प्रयास जारी है। सरहंद केवल साहिबजादों की कुर्बानी ही याद नहीं दिलाती बल्कि उस गुरु कृपा की भी याद दिलाती है जिसने रंग रोगों को राजा बना दिया था। उस समय पंजाब से ही उठकर दुनिया भर तक पहुंचा था यह संदेश कि सत्ता केवल मजदूरों और किसानों की होगी, न कि जालिमों और शोषकों की। गुरु सिद्धांत पर चलने वाले सच्चे सिख लोग फिर से उसी के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश टीवी के साथ। शुक्रिया। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।